Hey guys, what's up and welcome back to the Movie Sunt. आज के इस वीडियो अंदर हम कवर करेंगे आपके साथ हॉलीवुड की बनी टॉप 10 बेस्ट साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर मूवीज जिन्हें आप यूट्यूब पर फ्री देख पाओगे। आज के इस वीडियो अंदर हम टोटल 10 मूवीज शेयर करेंगे आपके साथ जिनमें से 8 मूवीज आप यूट्यूब पर फ्री देख पाएंगे और बाकी मूवीज कौन सी होगी उन सभी की अपडेट जानने के लिए आप इस लिस्ट को कम्प्लीटली जरूर देख लेना। तो कुछ भी मिस ना करने के लिए इस लिस्ट को लास्ट तक जरूर देख सकते हो एंड बिना इसी तरीके चलो इस लिस्ट को हम स्टार्टअप करते हैं। तो बात करें हमारी इस लिस्ट की पहले मूवी की जिसका नाम है सेक्स ट्रैप, जो कि साल 2014 की बनी कॉमेडी रोमांस फिल्म है। 5.1 की रेटिंग के साथ इस मूवी को रिलीज किया गया था। इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक कपल से जिनके दोनों बच्चों की वजह से और उनके काम की वजह से वो दोनों एक दूसरे के अपने वक्त या फिर टाइम नहीं दे पाते हैं। अब ऐसे में एक दिन वो कपल अपने दोनों बच्चों को उनके नाना नानी के घर में भेज देते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे को अपना वक्त दे पाते हैं। अब ऐसे में चक्कर में उनके एक वीडियो या फिर MMS वायरल हो जाती है। अब इसी वीडियो की वजह से उनकी बहुत ज़रा वाट लग जाती है। अब ऐसे में वो दोनों क्या करते हैं कि उनके सभी दोस्तों के घर में जाते हैं रात को ताकि वो स्टैप के अंदर उनकी वीडियो जो मौजूद है वो उसको डिलीट कर पाए। अब आगे स्टोरी क्या कुछ हो सकता है वो जानने के लिए आप इस मूवी को देखिए, लेकिन एक 16+ फिल्म है। तो बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 9 मूवी की जिसका नाम हेलो मैन पार्ट 2, जो कि साल 2006 की बनी हॉरर और साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी है। 4.4 की रेटिंग की वजह से ये मूवी इस लिस्ट के नंबर 9 पर रैंक करता है। तो इस फिल्म की स्टोरी की अगर बात करें तो कहानी एक अदृश्य इंसान की आपको देखने को मिलेगी जो कि कुछ लोगों को एक एक करके मार रहा होता है और उनसे उनकी कुछ रिसर्च वगैरह वो चुरा रहा है। अब ऐसे में इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगी कुछ लोग हैं जो कि उस अदृश्य इंसान से बचने की कोशिश करते हैं। क्यों और किस लिए और इस फिल्म की आगे स्टोरी क्या कुछ हो सकता है वो आप इस मूवी को देख मूवी के अंदर देख सकते हैं। बढ़ते हमारी लिस्ट की नंबर 8 मूवी की तरफ जिसका नाम अटैक ऑन टाइटन पार्ट 1, जो कि साल 2015 की बनी एक एक्शन फैंटेसी बेस्ड मूवी है। 5.1 की रेटिंग के साथ इस मूवी को रिलीज किया गया था। तो इस मूवी की स्टोरी की अगर बात करें तो कहानी अपने को देखने को मिलेगी कुछ ऐसे बहुत ही बड़े बने मॉन्स्टर्स जिन्हें टाइटन्स कहते हैं, उनसे बचने के लिए इंसानों ने करीब 100 साल पहले बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें बनाई थी ताकि वो लोग उनसे बच सके। अब ऐसे में कहानी फोकस करती है बहुत टाइम के बाद जब इंसानों को ऐसा लगता है कि टाइटन शायद खत्म हो चुके हैं, लेकिन मूवी के अंदर कहानी में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से वो टाइटन्स दोबारा इंसानों की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे स्टोरी क्या कुछ हो सकता है वो जानने के लिए आप इस मूवी को देखिए, जो कि आपको MX प्लेयर पर देखने को मिल सकती है। हमारे इस लिस्ट की नंबर 7 पर रैंक करती है माय बेस्ट फ्रेंड एक्सोरसिज्म, जो कि साल 2022 की बनी कॉमेडी हॉरर बेस्ड मूवी है। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एबी और ग्रेटन नाम की दो बेस्ट फ्रेंड से जो कि एक हाई स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। कहानी में तुझता बात है जब एबी को यह पता लगता है कि ग्रेटन के ऊपर एक बुरे साए ने पोजेस्ट कर रखा है। अब ऐसे में अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए वो क्या कुछ चीजें करती है ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता लग जाएगा, लेकिन ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिल सकती है। रिसेंटली रिलीज होने की वजह से इस मूवी का जो लिंक है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर आपको इंटरनेट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। बात करते हैं सिलेस्टी नंबर 6 मूवी की जिसका नाम है प्रिंस ऑफ पर्सिया, जो कि साल 2010 की बनी एक एक्शन फैंटेसी बेस्ड मूवी है और इस मूवी का IMDb की तरफ से 6.6 का रेटिंग मिल चुका है। तो इस मूवी के अंदर कहानी आपको एक प्रिंस की देखने को मिलेगी जिसके ऊपर ये इल्जाम लग जाता है कि उसने अपना पिता का कत्ल किया है। अब ऐसे में उसके हाथ में एक जादुई खंजर लग जाती है जिसके पीछे दबाने से वो समय के पीछे पहुंच सकता है। अब ऐसे में इस मूवी के अंदर आपको और भी बहुत तरीके की चीजें देखने को मिलेगी, सो उन सभी चीजों को मिस ना करने के लिए आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। इस मूवी की स्टोरी बहुत ज़रा अमेजिंग है जिसे जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देखिए। इस लिस्ट को आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस तरह की लिस्ट हमेशा इस चैनल के अंदर देख पाओ, और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि यार आपकी एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है अच्छी अच्छी मूवीज आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 5 मूवी की जिसका नाम बर्ड्स ऑफ प्रे, जो कि साल 2020 की बनी एक एक्शन कॉमेडी बेस्ड मूवी है। 6/10 की रेटिंग के साथ इस मूवी को रिलीज किया गया था। तो इस मूवी की स्टोरी की अगर बात करें तो कहानी आपको हार्ली क्विन की देखने को मिलेगी जिसके साथ जोकर का ब्रेकअप हो चुका है। अब जोकर की डर की वजह से हार्ली क्विन को बहुत सारे लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन अब उन सभी को एक मौका मिल जाता है ताकि वो हार्ली क्विन से अपना बदला ले सके। अब ऐसे में हार्ली क्विन क्या कुछ चीजें करती है वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी है जिसके अंदर आपको कमाल की एक्शन चीजें देखने को मिल सकती है। इस लिस्ट नंबर 4 पर मैंने एक साइंस फिक्शन मूवी रखा है जिसका नाम रिप्लिकेट्स, जो कि साल 2018 की बनी एक साइंस फिक्शन मूवी है। 5.4 की रेटिंग के बावजूद भी ये मूवी बहुत ज्यादा कमाल की है। इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक साइंटिस्ट से जिसे ये पता लगता है कि उसकी पूरी फैमिली की मौत एक कार एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है। अब ऐसे में वो साइंटिस्ट अपने सभी फैमिली मेंबर्स को फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है उनकी सभी यादों को इकट्ठा करके। अब आगे कहानी क्या कुछ चीजें हो सकता है वो आपको उस मूवी के अंदर देखना चाहिए, जो कि आपके लिए एक एक्सट्रीम लेवल की एक्सपीरियंस हो सकती है।
बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 9 मूवी की, जिसका नाम है 444 जो कि साल 2019 की बनी एक एक्शन बेस्ड मूवी है। 614 की रेटिंग की वजह से इस लिस्ट के नंबर 3 पर रैंक करता है। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगी कुछ रिटायर्ड सोल्जर्स की स्टोरी, जिन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनकी फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। अब ऐसे में वो सभी एक्स सोल्जर्स एक मिशन को अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे देश में जाकर उसी देश में अंदर मौजूद एक ड्रग लॉर्ड को मारना होता है, और उसी ड्रग लॉर्ड के पास बहुत सारा पैसा है। अब ऐसे में इस मूवी के अंदर देखने लायक ये है कि यार वो लोग इस मिशन को कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं। मूवी बहुत ज्यादा कमाल की है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बढ़ते इस लिस्ट के नंबर 2 मूवी की तरफ, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ टार्ज़न, जो कि साल 2016 की बनी एक एक्शन एडवेंचर बेस्ड मूवी है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी हम शेयर नहीं करेंगे आपके साथ, लेकिन एक ही चीज बताऊंगा कि यार आपको एक कमाल के एडवेंचर एक्शन बेस्ड मूवी देखना है तो गो फॉर इट इस मूवी के लिए। आपको टार्ज़न की स्टोरी तो पता ही होगा, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको टार्ज़न की स्टोरी के बाद क्या कुछ चीजें होता है उसके साथ, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकती है। सो बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है किस किस बैंग बैंग, जो कि साल 2005 की बनी एक मिस्ट्री क्राइम फिल्म है। 7.5 की रेटिंग के साथ इस लिस्ट के नंबर 1 पर रैंक करता है। हॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसे मूवीज हैं जो कि हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद आती है, और कुछ ऐसे मूवीज हैं जिनकी रेटिंग्स वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा कमाल की होती है, लेकिन वो मूवीज हमें समझ में नहीं आती है। अब उन्हीं मूवीज में से ये मूवी से एक है, जिसके अंदर आपको बहुत तरह की मिस्ट्री स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन वो स्टोरी आपको सीन में नहीं बल्कि डायलॉग्स में देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की टॉप 10 मूवीज, जिनमें से 8 मूवीज आप YouTube पर फ्री देख पाएंगे। बाकी 2 मूवीज के लिंक और सभी मूवीज के लिंक आपको इस बार टेलीग्राम चैनल पर जरूर लिंक मिल जाएगा। तो इस लिस्ट को कम्प्लीटली लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो पर।